देवरिया सदर कोतवाली पुलिस ने 7 अंतर्राज्यीय चोर सहित 19 मोटरसाइकिल बरामद किया। आप देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खबर। जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से पवन कुमार यादव संवाददाता के साथ। देवरिया में लगातार गाड़ियों की चोरी हो रही थी, जिसको लेकर देवरिया पुलिस काफी दबाव में थी, जिसको देखते हुए की गई कार्यवाही। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया का है, जहां काफी दिनों से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हो रही थी। पुलिस लगातार इस पर नजर रख रही थी। शहर कोतवाल टीजे सिंह को आज बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें चोरों के सक्रिय गिरोह को पकड़ा गया, जिनके पास से 19 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। वहीं YMS न्यूज 24 टीम के पूछने पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि देवरिया सदर कोतवाल लगातार छानबीन कर रहे थे, जिनको आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। पूछताछ के दौरान इन चोरों से और भी खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने सदर कोतवाल की तारीफ करते हुए कहा कि यह देवरिया सदर कोतवाली की अकेले की बड़ी कामयाबी है। इस जनपद के थाना कोतवाली में कल मोटरसाइकिल चोरों का एक गैंग प्रभारी निरीक्षक कोतवाली और उनकी टीम द्वारा नैप किया गया और इस गैंग के 7 सदस्यों की गिरफ्तारी की गई। यह गैंग अंतर्राज्यीय स्तर का मोटरसाइकिल चोरों का गैंग है और इसके सभी 7 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं और इनके कब्जे से 19 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। बरामदशुदा मोटरसाइकिलों को विभिन्न थानों पर पंजीकृत मुकदमों से लिंकअप किया जा रहा है। अभी तक इस जनपद के थाना गौरी बाजार से 2 मोटरसाइकिलें चोरी की कनेक्ट हुई हैं, एक इसी जनपद के थाना कुकुंदू से कनेक्ट हुई है, एक गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा थाने से कनेक्ट हुई है, एक सिवान बिहार के थाना जामों के एक मुकदमे से कनेक्ट हुई है। शेष अन्य मोटरसाइकिलों के बारे में पुलिस सूचना जुटा रही है। इस जनपद की इस बड़ी कामयाबी के लिए ADG गोरखपुर जोन महोदय ने पूरी टीम को 15,000 रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।